देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। देश में नफरत और दंगे का माहौल बंद करने के लिए आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर तमाम विपक्षी राजनीतिक दल, कांग्रेस, सपा, माकपा, किसान संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने शांति सद्भाव बनाने और लोकतंत्र बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर घेराव किया। वहीं कलेक्ट्रेट से एक जुलूस भी निकाला गया और देश में लोकतंत्र बचाने के नारे लगाए गए। रैली में मौजूद नेताओं का आरोप था कि 1 अप्रैल से नवरात्र, रामनवमी और हनुमान जयंती के नाम पर आरएसएस, वीएचपी व शंकर समेत तमाम हिंदू संगठन देश में उपद्रव का माहौल पैदा कर रहे हैं। सरकार का इन उपद्रवियों को समर्थन प्राप्त है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है जो अदृश्य है, और ये ताकत सभी संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने में लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पिछले 15 दिनों से एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। वहीं मोहन भागवत का बयान आया है कि भारत सनातन है। आज़ादी के समय जो अवधारणा थी सद्भाव की या लोकतंत्र की, उसको कुचलने का काम सरकार कर रही है। मस्जिद पर अगर भगवा झंडा फहराया जाता है, इसके विरोध में कोई आवाज उठाता है तो वो दंगाई घोषित हो जाता है। आइए सुनते हैं कि वरिष्ठ कॉम्रेड नेता जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा। देखिए, पिछले 1 अप्रैल से संगठित रूप से आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बहुत सारे सेनाएं हैं, इन्होंने पूरे देश में नवरात्र और रामनवमी के नाम पर एक दंगाई उपद्रवी माहौल बना दिया है, जो इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। सरकार इस मामले में इन उपद्रवियों को पूरी तरह से समर्थन दे रही है, उनके साथ खड़ी है। जनता के हर प्रतिरोध को कुचल देने की अगर कहीं से आवाज़ आ रही कि मस्जिद पर नहीं फहराना चाहिए झंडा, तो उसे मुजरिम और दंगाई करार दिया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन लोग काम कर रहे हैं और ये टीनेजर लड़के क्यों सड़कों पर हैं, सवाल इससे ज़्यादा बड़ा गहरा है। इसलिए हम लोगों ने यह आयोजन किया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो अदृश्य है, दिख नहीं रही है। इस देश में एक देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक संस्थाओं को, यहाँ कानून के राज को खत्म कर देने वाली एक संस्था है और एक आपराधिक संस्था है, वह जो विलुप्त है, बहुत पीछे है, अदृश्य है, और उसके विभिन्न तरह के सिर्फ प्रयास हमें दिख रहे हैं, उसके हमले दिख रहे हैं, वह संस्था अंत में आड़ में खड़ी है। दुर्भाग्य है, संविधान के बल पर चुना हुआ भारत का प्रधानमंत्री पिछले 15 दिनों से इस पर एक शब्द नहीं बोला है।